हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल क्रिएटिव वाइन। दोस्तों, मैं हूं मेहरान बलोच और आप देख रहे हैं क्रिएटिव वाइन। तो दोस्तों, आज का हमारा मौजू है जावा स्पैरो की ब्रीडिंग या जावा स्पैरो का शौक और बिजनेस। दोस्तों, आप अगर ये जावा स्पैरो को पसंद करते हैं तो इनका बिजनेस भी कर सकते हैं और शौक भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं इन्हीं के बारे में आपको मालूमात दूंगा कि कैसे ख़रीदनी है, कैसे बेचनी है, कहां से ख़रीदनी है और किस एज में ख़रीदनी है। तो जो भी जावा के हवाले से, जावा स्पैरो के हवाले से जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो भी मेरा तजुर्बा है, जो भी मुझे नॉलेज है, मैं इंशाल्लाह आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जावा स्पैरो का आप बिज़नेस करना चाहें या फिर आप हॉबी करना चाहते हैं, शौक करना चाहते हैं, जो भी हो, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो भी आप शौक करें, कम से कम उसका स्टार्ट 4 पेयर से करें। आप देख रहे हैं, मैंने भी उसी चीज़ को फॉलो किया है। जो मैं आपको कहता हूँ, खुद भी वही करता हूँ। ये बात नहीं है कि आपको कुछ और बोलूँ और खुद कुछ और करूँ। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं, मैंने तकरीबन 4 पेयर लिए हैं। 3 जो हैं इसमें सिल्वर के हैं और 1 वाइट का है। सिल्वर वाले जो हैं वो थोड़े से पट्टे हैं, वाइट फुल यंग है। अभी ये रेडी टू ब्रीड होंगे तकरीबन 1-2 महीने के बाद। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको भी कहा हुआ है कि जो भी चीज़ ख़रीदें, पट्टे ख़रीदें, यंग हों, एडल्ट हों, ये तकरीबन 5 से 6 महीने के हैं, एडल्ट हैं बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने ख़रीदे हैं और ये मैंने एक दोस्त से ख़रीदे हैं। तो ये जो आया हुआ था, मैं गया हुआ था कहीं पे, तो वहाँ पे दोस्त ने मुझसे बात की तो वहीं पे वो लेके आ गया, तो मैंने ख़रीद लिया। तकरीबन 4 पेयर हैं ये, आप देख सकते हैं, बिल्कुल साफ़ चीज़ें हैं। अब ये ख़रीदते वक्त आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, जावा ख़रीदते वक्त ख़ास करके उनकी आइज़ का ख्याल रखें, आइज़ उसकी ठीक हों। उसकी इनकी टांगें बहुत ही नाजुक होती हैं, इनकी टांगें और इनके नेल्स, टांगों के नेल्स जो है ना बहुत ही नाजुक होते हैं। उनका ख्याल रखें कि इनके जो है ना नेल्स जो हैं टूटे हुए ना हों, टांगें मुड़ी हुई ना हों, या टांगों की जो पैरों की उंगलियां हों वो टूटी हुई या मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने अभी कुछ ही दिन हुए हैं, 10 दिन हुए होंगे मुश्किल से, तो ये मैंने लिए हैं, माशाल्लाह से एक्टिव हैं सारे। अभी देख रहे हैं मैंने आप इनको कि ना ही बॉक्स लगा है, ना ही मटकी लगाई है, इसीलिए क्योंकि ये अभी रेडी टू ब्रीड नहीं है। जब मुझे सही टाइम लगेगा, तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद, तभी मैं इनका बॉक्स या फिर मटकी लगाऊंगा। और अभी मैं देखता हूँ, अगर मेरा मूड है कुछ और भी 4-5 पेयर लेने का, तो अगर मुझे मिल गए तो मैं इनकी हो सकता है कॉलोनी बनाऊँ या फिर पोर्शन बाय पोर्शन केज में रखूँ, 1.5x1.5 के या फिर 1x1.5 के पोर्शन में रखूँगा इनको भी, या फिर हो सकता है इनकी कॉलोनी बनाऊँ 5x6 की, या इसी हिसाब से कुछ देखते हैं। फिर लेकिन अभी ये कन्फर्म नहीं किया, जहन नहीं बनाया मैंने अपना कि इसको कॉलोनी में रखना है या केज में। अगर और पेयर मिल गए तो फिर इंशाल्लाह कॉलोनी ही बनाऊंगा। तो दोस्तों, इनकी भी ब्रीड बहुत ही अच्छी आती है, बहुत ही अच्छी ब्रीड करते हैं, बजिस की तरह ही ब्रीड करते हैं। तकरीबन पूरा ही साल ब्रीड करते हैं, अगस्त से लेके मार्च तक जो है ना, तकरीबन पूरा साल ब्रीड करते हैं। बीच में 2-3 महीने तो मैं बजिस को भी रेस्ट देता हूँ तो इनको भी देता हूँ। तो दोस्तों, इनका जैसे कि मुझे तजुर्बा है, तकरीबन 5 साल पहले का मैं आपको बता रहा हूँ, 5 साल पहले मेरे पास 8-10 पेयर थे, तब मैंने इनकी ब्रीड ली थी। उसके बाद मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई थी तो मैंने अपना पूरा ही सेटअप ख़त्म कर दिया था। तो उसके बाद मैंने जाके अभी फिर तकरीबन 5-6 साल बाद इनको फिर से रखा है। तो इनकी भी ब्रीड इंशाल्लाह करवाएंगे, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस, विटामिन जो भी होगी ब्रीडिंग के, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ, अगर आप चिड़िया रखना चाहते हैं, फिंच रखना चाहते हैं, या फिर स्पैरो रखना चाहते हैं, जावा रखना चाहते हैं, तो ये भी रख सकते हैं। इनमें 4 कलर्स आते हैं दोस्तों,
सिल्वर, वाइट, ब्लैक और फोम, और एक कलर और भी है जैसे कि आप वो पाइड में काउंट होता है, अगर पाइड में होगी आपकी ब्रीड तो पाइड में काउंट होगा। पाइड यानी कि यूँ समझ लें कि ब्लैक और वाइट का क्रॉस होता है, वही चलता है। लेकिन इनमें जो सबसे फेमस कलर हैं वो यही हैं, सिल्वर है, फोम है और वाइट है। यही तीनों इनके सबसे फेमस और अच्छे कलर हैं जो ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। ब्रीड के हवाले से भी अच्छे हैं, बिजनेस के भी हवाले से अच्छे हैं। तकरीबन ये भी 5 से लेके 8 बच्चे भी निकालते हैं मेरे। जब मैंने लास्ट टाइम ब्रीड करवाई थी तो कम से कम 5 और 9 बच्चे भी निकालते थे ये मेरे पास। तो दोस्तों ब्रीड के हवाले से ये भी बहुत अच्छे हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो पे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे दोस्त भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी जो आइंदा की आने वाली वीडियोज़ हैं जो कि जावा के हवाले से और जो है बजिज के हवाले से होती हैं मेरी वीडियोज़, वो भी आपको मिलती रहेंगी। उम्मीद है मुझे अपने दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।